सत्य प्रेम की कथा, ये फिल्म रिलीज हुई 29 जून को। तो ये फिल्म कैसी है, अच्छी है या बुरी है, ये बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या फ्लॉप, यही सब बताएंगे आज के इस स्पेशल रिव्यू पर। सत्य प्रेम की कथा स्टारिंग कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी एंड डायरेक्टेड बाय समीर विध्वंस। जी हाँ, ये डायरेक्टर साहब भी मराठी फिल्म बैकग्राउंड से है, जैसे कि हमारे प्रिय ओम राउत, जिनकी फिल्म आदि पुरुष को आप सब ने बहुत प्यार से रिजेक्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं समीर विध्वंस की ये फिल्म अच्छी है या बुरी। सत्य प्रेम की कथा एक कंप्लीट एंटरटेनर है बॉस। इस फिल्म में सब कुछ है, डांस है, रोमांस है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है। इस फिल्म में बहुत सारे गाने हैं जिसमें से दो तीन ही अच्छे हैं। इस फिल्म में कियारा और कार्तिक की जोड़ी कमाल है। राजपाल यादव और गजराज राव की कॉमेडी धमाल है। कुछ ज्यादा ही राइमिंग नहीं हो रहा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये फिल्म नॉर्मल बॉलीवुड लव स्टोरी से थोड़ा हटके है। इसमें है थोड़ा सा ट्विस्ट। इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया है। ये आपको कहीं कहीं गुदगुदाते हैं तो कहीं कहीं रुलाते हैं। समीर विध्वंस का डायरेक्शन लाजवाब है। इस फिल्म की ट्रीटमेंट में वो बैलेंस नजर आता है, फिर वो कॉमेडी सीन्स हो या इमोशनल सीन्स, कहीं भी डायरेक्टर साहब ओवरबोर्ड नहीं होते। ओम राउत के लिए ये सीखने वाली बात है। डायरेक्टर बढ़िया हो तो एक अच्छा एक्टर अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। यही दिखा कियारा और कार्तिक के परफॉर्मेंस में। सत्तू का रोल तो कार्तिक ने ऐसा निभाया है कि आप भूल ही जाते हो कि ये कार्तिक है, सत्तू नहीं। कियारा ने भी कथा का रोल बहुत ही सेंसिटिवली निभाया है। जब भी वो स्क्रीन पर रोती है तो यू फील बैड फॉर हर। वैसे भी इतनी सुंदर लड़की रोए तो दिल से बुरा लगता है भाई। बाकी की सपोर्ट कास्ट जैसे सिद्धार्थ रंधेरिया, अनुराधा पटेल, सुप्रिया पाठक, गजराज राव और राजपाल यादव, इन्होंने भी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी है। ये फिल्म गुजरात में सेट की है और कसम से लुक एंड फील इतना परफेक्ट गुज्जू टाइप आया है कि यू विल लव इट। ओवरऑल ये फिल्म अच्छी है। इस फिल्म का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये फिल्म लेडीज को ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट विषय को इस फिल्म ने प्रॉपरली एड्रेस किया है। और बॉस, जब एक फिल्म लेडीज को पसंद आएगी तो साथ में फैमिली झक मार के जाएगी। इसी का इम्पैक्ट बॉक्स ऑफिस पर हो रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की शुरुआत धीमी रही। पहले दिन इस फिल्म ने कमाए 9.25 करोड़ और एक्सटेंडेड वीकेंड पर इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 38.5 करोड़, जो कि एक डिसेंट नंबर है। कंसीडरिंग फिल्म की रिलीज के पहले इसका इतना हाइप नहीं था। 7 दिन में इस फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, तो सेकेंड वीक में भी नंबर्स अच्छे होने चाहिए और होने ही चाहिए, क्योंकि इस फिल्म की कॉस्ट ऑफ मेकिंग है 60 करोड़। तो अगर सेकेंड वीक में ये फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया तो ही ये फिल्म एक प्रॉफिट मेकिंग फिल्म बनेगी। ऑल इन ऑल कार्तिक आर्यन ने शहजादा से अपना खोया हुआ जादू बॉक्स ऑफिस पर फिर से चलाया है। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो जाओ या मत जाओ, योर मनी योर चॉइस, मैंने अपना काम कर दिया। तो फिर मिलते हैं अगले स्पेशल रिव्यू पर, तब तक के लिए बाय बाय।